नमस्कार दोस्तों, रेसिप्रोसिटी थ्योरम बहुत ही आसान होता है, पर कई बार एग्जाम में अगर हम इसे अच्छी तरह से ना समझें तो भूल जाते हैं और इससे क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये छोटा थ्योरम है, सिंपल होता है। इस पर ज्यादा ध्यान न देने की वजह से स्टूडेंट अक्सर इसे भूल जाते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम के साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके समझाऊंगा और साथ ही साथ इसका एडमिटेंस एंड इम्पीडेंस मैट्रिक्स के साथ क्या रिलेशन है ये भी समझाऊंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम इन तीन नेटवर्क्स में अप्लाई होता है। पहला है लीनियर नेटवर्क, दूसरा है बाइलेटरल नेटवर्क और तीसरा है सिंगल सोर्स नेटवर्क। अब लीनियर नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? लीनियर नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें कि पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू करंट और वोल्टेज। मतलब कि जैसे जितना भी जो भी पैरामीटर है किसी भी एलिमेंट का, मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओम, तो वो 10 ओम ही होगा चाहे करेंट या वोल्टेज चेंज हो, बदले, बढ़े या कम हो। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल है सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स, या इन सभी में से सभी के सभी अगर किसी नेटवर्क में है तो वो नेटवर्क एक लीनियर नेटवर्क होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है, तो इसके भी एग्जाम्पल चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्टर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो इंडक्टर है और ये जो इंडक्टर है, इन दोनों इंडक्टर में डिफरेंस ये है कि इस इंडक्टर का कोर सेचुरेट हो चुका है। अगर किसी भी इंडक्टर का कोर सेचुरेट हो चुका हो तो वो इंडक्टर नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। और ये सारे नॉन लीनियर एलिमेंट अगर किसी नेटवर्क में हैं तो वो नेटवर्क क्या होगा? नॉन लीनियर नेटवर्क। अभी फिलहाल हमें लीनियर नेटवर्क पे कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम लीनियर नेटवर्क में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट नेटवर्क है हमारा बाइलेटरल नेटवर्क। बाइलेटरल नेटवर्क किसे कहते हैं दोस्तों? ए सर्किट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर आर सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू वेरियस एलिमेंट ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बिहेवियर, मतलब कि सर्किट कैसे बिहेव करेगा, उसका करेंट बढ़ेगा कम होगा, ये डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू किसी भी एलिमेंट की, मतलब कि किसी भी एलिमेंट में उसका करेंट का डायरेक्शन क्या है, इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो नेटवर्क या फिर वो सर्किट क्या हो जाएगा? बाइलेटरल नेटवर्क। मतलब कि एक बार और आपको समझाता हूं कि किसी भी नेटवर्क में किसी एलिमेंट के थ्रू करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इससे हमारे सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बिहेवियर डिपेंड अगर नहीं करेगा तो वो नेटवर्क बाइलेटरल नेटवर्क होगा। इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं दोस्तों। ए नेटवर्क कंजिस्टिंग ओनली रेजिस्टेंस इज ए गुड एग्जाम्पल। किसी भी नेटवर्क में सिर्फ अगर रेजिस्टेंस है तो वो बाइलेटरल नेटवर्क होगा। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर। इनमें करंट की डायरेक्शन से सर्किट का बिहेवियर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये सारे एलिमेंट बाइलेटरल एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट अगर किसी नेटवर्क में है तो वो नेटवर्क बाइलेटरल नेटवर्क होता है। तो फिर बाइलेटरल का उलट क्या होगा दोस्तों? मैं इसे अपने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, बाइलेटरल का उलट हो जाएगा यूनिलेटरल। सर्किट कंजिस्टिंग डायोड्स विच अलाउज फ्लो ऑफ करेंट ओनली इन वन डायरेक्शन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल सर्किट। क्योंकि आपको पता होगा अगर किसी भी नेटवर्क में डायोड है, डायोड क्या करता है? करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट का फ्लो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसीलिए डायोड क्या हो गया? यूनिलेटरल एलिमेंट हो गया। अगर किसी सर्किट में यूनिलेटरल एलिमेंट मतलब कि डायोड जैसे कोई एलिमेंट है तो वो नेटवर्क क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल नेटवर्क या फिर यूनिलेटरल सर्किट। आप अगर यूनिलेटरल समझ गए हैं तो चलिए अब थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है सिंगल सोर्स नेटवर्क। सिंगल सोर्स नेटवर्क तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी नेटवर्क में कोई मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट
वोल्टेज या फिर करंट सोर्स नहीं है, मतलब कि सिंगल सोर्स है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, सिंगल रहना चाहिए। अगर सिंगल सोर्स है नेटवर्क में तभी हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो अब उम्मीद करता हूं मैं आप इन तीनों पॉइंट को अच्छी तरह समझ गए कि लीनियर नेटवर्क, बाइलेटरल नेटवर्क और सिंगल सोर्स नेटवर्क क्या होता है। अब हम जानेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता क्या है। अगर ये तीनों नेटवर्क हैं तो भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल होगा, और ये कहता है कि द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हेन द एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट होगा, चाहे हम एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज ही क्यों ना कर दें। वर्ड के थ्रू अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं इसको बड़ी आसानी से एक सर्किट के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखिए ये सर्किट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लीनियर है, बाइलेटरल है, और क्या है इसमें, सिंगल वोल्टेज या फिर करंट सोर्स है। उसी तरह ये भी देखिए, ये भी एक लीनियर नेटवर्क है, बाइलेटरल नेटवर्क है, सिंगल और करंट या फिर वोल्टेज सोर्स है। अब देखिए ये ब्रांच ए बी और ये एक्स वाई, इसी तरह यहाँ भी ब्रांच ए बी और ये एक्स वाई। अभी फिलहाल आप ब्रांच को फोकस कीजिए। अब देखिए इसमें हम एक्साइटेशन किसमें दिए, ब्रांच ए बी में, और रिस्पॉन्स कहाँ से ले रहे हैं, ब्रांच एक्स वाई से। एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स बोलने का मतलब ये है दोस्तों, एक्साइटेशन मतलब सोर्स, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, रिस्पॉन्स मतलब जहां से हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, जैसे कि लोड, किसी भी लोड का करंट या फिर वोल्टेज हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ एक्साइटेशन है ए बी में और यहाँ रिस्पॉन्स है एक्स वाई में, रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, इसमें उलट ए बी में डाल देंगे। यहाँ का रिस्पॉन्स एक्स वाई में था, यहाँ ए बी में डाल दिया। उसी तरह हम एक्साइटेशन को क्या करेंगे, जी हाँ, जहाँ ए बी में है उसको हम क्या करेंगे, उठा के एक्स वाई में डाल देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ऐसा करने पे रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन आर रिमेन कॉन्स्टेंट, रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया रिस्पॉन्स बाई एक्साइटेशन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप नेटवर्क वन में फोकस कीजिए, नेटवर्क वन में क्या है, रिस्पॉन्स आई एक्स वाई, एक्स वाई पोर्ट में हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं इसीलिए आई एक्स वाई, और एक्साइटेशन क्या है, वी ए बी। तो आई एक्स वाई बाई वी ए बी इक्वल टू वाई टू वन, वाई टू वन क्या है, एडमिटेंस, और टू वन क्यों है, टू वन इसलिए है क्योंकि देखिए इसको अगर हम पोर्ट टू मानेंगे तो पोर्ट टू बाई पोर्ट वन कर रहे हैं। देखिए पोर्ट टू में हमारा रिस्पॉन्स था और पोर्ट वन में एक्साइटेशन था, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, वाई टू वन। तो इसे हम टू पोर्ट नेटवर्क वाले थ्योरी से इसे क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका भी एक वीडियो ला दूंगा। इसे हम ट्रांसफर एडमिटेंस कहते हैं। अब पोर्ट नेटवर्क टू में आप फोकस कीजिए, नेटवर्क टू तो सेम था, बस हमने इसमें क्या किया, एक्साइटेशन की जगह रिस्पॉन्स लगाया और रिस्पॉन्स की जगह एक्साइटेशन लगाया। तो यहाँ रिस्पॉन्स बाई एक्साइटेशन क्या होगा, आई ए बी। आई ए बी क्यों आया, क्योंकि ए बी के पोर्ट में हमने रिस्पॉन्स को लगाया है इसीलिए आई ए बी, और एक्साइटेशन क्या है, वी एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, वाई वन टू। अब यहाँ गौर कीजिए आप, यहाँ वन टू है, यहाँ टू वन, वन टू किस लिए, क्योंकि रिस्पॉन्स हमारा वन में है और एक्साइटेशन टू में है, और यहाँ पर उलट है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारा अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम दोनों कांस्टेंट है, मतलब कि आई एक्स वाई बाई वी ए बी इक्वल टू आई ए बी बाई वी एक्स वाई, मतलब ये दोनों समान है, दोनों कांस्टेंट है ना, इसीलिए दोनों बराबर हुआ। और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ट्रांसफर एडमिटेंस के टर्म में लिखेंगे तो वाई टू वन इक्वल टू वाई वन टू। यहां तक अगर आप अब समझ गए दोस्तों तो मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, इन्हें आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम टीचर इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए व्हाइल वेरीफाइंग द रेसिप्रोसिटी थ्योरम द कॉन्फिगरेशन ऑफ नेटवर्क रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब यही है कि देखिए ये हमारा नेटवर्क था, ठीक है, इसमें ये नेटवर्क था, हमने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, ये जो है वही ये है, हमने सिर्फ क्या किया, एक्सटर्नल कंडीशंस टू द नेटवर्क आर वेरीड, मतलब कि रिस्पांस की जगह एक्साइटेशन लगाया और एक्साइटेशन की जगह रिस्पांस लगाया। तो आप इसको गौर कीजिएगा कि नेटवर्क सेम रहेगा, जो नेटवर्क पहले केस में रहेगा वही नेटवर्क दूसरे केस में रहेगा। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम इज सिमेट्री ऑफ
एडमिटेंस और इम्पीडेंस मैट्रिक्स, ये भी टू पोर्ट नेटवर्क में है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम से जो रिलेटेड है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये एडमिटेंस मैट्रिक्स हो गया, ये इम्पीडेंस मैट्रिक्स हो गया, और रेसिप्रोसिटी थ्योरम टू बी एप्लीकेबल और रेसिप्रोकल नेटवर्क, मतलब कि किसी भी नेटवर्क को रेसिप्रोकल नेटवर्क होने के लिए या फिर उस पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्या होना पड़ेगा, y12 = y21, जैसे कि हमने वहां पर देखा था पिछले स्लाइड्स में, उसी तरह इम्पीडेंस मैट्रिक्स भी अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो z12 = z21, अब और क्या होगा बताइए आप। जी हाँ आप सही समझे, ये देखिए आप यहाँ पर एक डायगोनल खींचिए, यहाँ पर आप एक डायगोनल खींचेंगे और यहाँ पर भी एक डायगोनल खींचेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसको सिमेट्री होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम इज सिमेट्री ऑफ एडमिटेंस और इम्पीडेंस मैट्रिक्स, तो इसका सिमेट्री होने के लिए ये देखिए यहां से डायगोनल खींचे, अब इधर का और इधर का सिमेट्री होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया y21 और y12 को पहले इक्वल कराया, अब क्या कर रहे हैं y31 और y13 को इक्वल कराया, उसी तरह यहां पर भी इम्पीडेंस मैट्रिक्स में भी z31 और z13 को इक्वल कराया। अब आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन सा होगा। जी हाँ आपने सही समझा, y23 और y32 दोनों बराबर होगा, उसी तरह इम्पीडेंस मैट्रिक्स में z23 और z32 इक्वल होगा। यहाँ पर आप समझ गए दोस्तों रेसिप्रोसिटी थ्योरम को हम टू पोर्ट नेटवर्क वाले लॉजिक से कैसे रिलेट कर पाए, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन में नॉर्मल ये दिया हुआ है और इस यहाँ पर आई का वैल्यू निकालना है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है, ओनली क्या दिया है यहाँ एक वोल्टेज का वैल्यू और एक करंट का वैल्यू दिया है। अगर ये नेटवर्क सेट है और दूसरा नेटवर्क दे रहा है तो यहाँ पर ये वोल्टेज का वैल्यू दे दिया और करंट का वैल्यू निकालना है हमें, तो अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली समझ लो कि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम में है, क्योंकि ये जो हमारा दिया हुआ नेटवर्क है यहाँ पर अगर हम आप गौर करोगे तो ये जो दिया हुआ नेटवर्क है ये क्या है, ब्रिज टी नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क में मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसे नेटवर्क होता है टी और ऊपर में ऐसे करके ऊपर में ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पर भी देखिए टी और ऊपर में एक और कनेक्टेड कर दिया रेजिस्टेंस को, तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ब्रिज टी नेटवर्क। अगर ऊपर में ये नहीं रहता तो इसको क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क। तो आप अभी के लिए इतना जानिए कि हमेशा ब्रिज टी नेटवर्क क्या होता है, एक रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल नेटवर्क जो होगा वहां रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ रिस्पॉन्स बाई एक्साइटेशन दोनों का इक्वल कर देंगे, दोनों ही नेटवर्क का रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाई एक्साइटेशन। तो देखिए इसका रिस्पॉन्स बाई एक्साइटेशन क्या है, रिस्पॉन्स क्या है 4 एम्पियर और एक्साइटेशन क्या है 5 वोल्ट। उसी तरह इस नेटवर्क का रिस्पॉन्स बाई एक्साइटेशन क्या है, जी हाँ I/30। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि 30 यहाँ ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, यहाँ देखिए ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, क्योंकि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं इसीलिए यहाँ नेगेटिव लिखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, अक्सर स्टूडेंट यही गलती करेंगे, वो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, बाकी तो सारा कर ही लेंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इससे नेगेटिव मार्किंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सिंपली है दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, दोनों कंपेयर करेंगे मतलब दोनों इक्वल है क्योंकि रिस्पॉन्स बाई एक्साइटेशन इक्वल टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 4/5 = I/-30। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने से क्या जाएगा I = -24 एम्पियर। इसी के साथ हम दोस्तों रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अच्छी तरह समझ गए और इसका रिलेशन टू पोर्ट नेटवर्क थ्योरी से कैसे है ये भी समझ गए, और साथ ही साथ एक एग्जांपल जो कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है उसको भी हम समझ गए। इसी के साथ ये थ्योरम समाप्त होता है। अगर इस वीडियो को अब तक आपने देख लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।